नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे किचन पंक्ति में। आज मैं आपके साथ शेयर करने लाई हूँ अपने बचे हुए चावल का नाश्ता। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, बच्चों को तो ये बहुत पसंद आती है। साथ ही हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत कम तेल का इस्तेमाल होता है और हम लोग जो भी सब्ज़ी पसंद करते हैं इसमें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारे घरों में कभी ना कभी चावल बच ही जाते हैं, तब आप उसे फेंके ना और इस तरह मेरे तरीके से एक बार नाश्ता बनाकर देखें, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए, इसके लिए मेरे को क्या क्या लगेंगे मैं आपको बता देती हूँ। बचे हुए चावल का नाश्ता बनाने के लिए मैंने ये रात का बचा हुआ एक कटोरी चावल है इसे ले लिया है। साथ ही ये 4 चम्मच सूजी, 4 चम्मच बेसन। तो चलिए, इसे क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग एक जार लेंगे और उसमें अपना चावल डाल देंगे, साथ ही अपना बेसन डाल देंगे। ये 4 चम्मच बेसन है और इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। देखिए, मैंने ये आधा कटोरी पानी लिया है, 2 से 3 चम्मच ही पानी डालूंगी। और साथ ही ये 3 हरी मिर्च, 8 से 10 लहसुन की कलियां और 2 इंच अदरक लिया है, इसे भी डाल देंगे और इसका फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। मैंने इसे पीस लिया है, ये देखिए इस तरह ये चिकना होना चाहिए। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, इसमें बिल्कुल भी चावल चावल हमारा नहीं है, पूरी तरह ये चिकना पिसा है। अब इसे एक बाउल में पकड़ लेंगे। मैंने इसे एक बर्तन में पकड़ लिया है। अब हम लोग इसमें अपना ये 4 चम्मच सूजी डाल देंगे, साथ ही कुछ सब्जियां डालेंगे। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज का आलू लिया है जिसे कि कद्दूकस करके धो लिया है, कुछ हरी धनिया लिया है, एक प्याज लिया है जिसे बारीक टुकड़ों में काट लिया है, एक छोटा टुकड़ा गाजर लिया है जिसे कि कद्दूकस कर लिया है। आप इसमें जो भी सब्जी पसंद करते हैं वो सब्जी इसमें डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को डाल देंगे, मैंने सारी सब्जियों को इसमें डाल लिया है। साथ ही कुछ मसाला बता देती हूँ। ये 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। ये काश्मीरी लाल मिर्च है, तीखी नहीं होती है, मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। साथ ही मैंने ये 2 पिंच के करीब मीठा सोडा लिया है और नमक स्वाद के अनुसार इन सारी चीज़ों को डाल देंगे। और साथ ही मैंने ये 1 टुकड़ा नींबू का जूस निकाला है 1 चम्मच के करीब, इसे भी डाल देंगे। इससे इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, आप खटाई में जो पसंद करते हैं उसे डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अगर आपको बेटर ठीक लगे तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच पानी मिला सकते हैं। ये हमारा पूरी तरह तैयार है, इसी तरह का बेटर होना चाहिए। अब हम लोग इसमें एक ढक्कन लगा देंगे और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। हो चुके हैं, चलिए इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी सूजी कितनी अच्छे से फूल गई है। सूजी फूलने में थोड़ा समय लेती है, इसलिए आप इसे 10 मिनट रेस्ट पे ज़रूर छोड़ें। अब इसे 5 मिनट इसी तरह और फेंट लेंगे। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस पे एक अप्पे पैन को गरम कर लिया है। अगर आपके पास अप्पे पैन ना हो तो आप इसे तवे में छोटी छोटी रोटियों जैसा बना सकते हैं। अप्पा पैन हमारा गरम हो चुका है, अब हम लोग इसमें तेल ग्रीस करेंगे थोड़ा थोड़ा। ये बहुत ही कम तेल में बनने वाला हेल्दी नाश्ता है, इसे बच्चे बहुत ही पसंद करके खाएंगे। मैंने सारे सांचे में तेल डाल दिया है, अब हम लोग इसमें अपना बैटर डालेंगे। 1-1 चम्मच से आप ज़्यादा ना डालें, ये फूलती भी है। और गैस का फ्लेम लो में रख लेंगे, इस तरह सारे को भर लेंगे। मैंने पूरे सांचे को भर लिया है, अब हम लोग इसमें एक लीड लगा लेंगे और इसे 5 मिनट लो फ्लेम पे पकने देंगे। 5 मिनट हो चुका है, अब हम लोग इसका लीड निकाल लेंगे और इसे लो फ्लेम में ही और 5 मिनट पकने देंगे, क्योंकि ये हमारी बचे हुए चावल की नाश्ता है, बहुत ही सॉफ्ट बनती है, इसलिए इसे 5 मिनट और हम लोग बिना ढके पका लेंगे। और 5 मिनट के बाद देखिए ये ऊपर से पूरी तरह सूखी हो गई है। अब हम लोग धीरे धीरे इस तरह हल्के हाथों से इसे पलटेंगे। ये बचे हुए चावल के बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। ये देखिए ये कितने अच्छे से नीचे से पके हैं, इसी तरह इसे पलट लेंगे। मैंने सारे अप्पे को पलट लिया है, देखिए कितना सुनहरा कलर आया है इसका। अब इसी तरह लो फ्लेम पे इसे 5 मिनट और पकने देंगे। और 5 मिनट के बाद चलिए इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये दोनों साइड से कितने अच्छे से पक गई है, दोनों साइड
गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब चलिए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मेरे बचे हुए चावल के अप्पे बनके तैयार हैं। आप इसे किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आती है और बहुत ही हेल्दी होती है, कम तेल से बनती है और हम लोग इसमें कोई भी सब्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए ये हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। आप इसे घर में एक बार ज़रूर बनाएँ और मुझे कमेंट करके बताएँ कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं मेरे अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।